अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता इसी की मजबूती है। उन्होंने कहा कि किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक एक वोट बहुमूल्य है और इससे कई बार कई वोट मिल करके हार और जीत को निश्चित करते हैं। वोट देते समय नैतिकता का पालन भी करना जरूरी होता है। हमें कभी भी धन, शराब व किसी भी अन्य उपहार आदि के प्रलोभन में जाति, धर्म और संप्रदाय आदि के से प्रभावित होकर के बिना किसी वोट के इसके इस्तेमाल को जोड़ना चाहिए, यानी हमें स्वस्थ वोटिंग करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पूरे समाज के लिए एक संदेश वाहक की जिम्मेदारी निभाएं, हर अपने परिचित को वोट के अधिकार की याद दिलाएं तथा मतदान के लिए प्रेरित करें। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। आज का जो आयोजन था ये जिला प्रशासन ने 21 अक्टूबर को वोट डालने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए किया है। सभी वर्ग के लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, एवं बुजुर्ग हैं, शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, गाँव से आए हुए युवा हैं। तो उद्देश्य ये था कि बताया जाए कि नैतिक मतदान क्या है, मतदान क्यों जरूरी है, आपकी क्या भूमिका है और हम अपनी भूमिका कैसे निर्वहन कर सकते हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने सी विजिल नाम से जो ऐप डेवलप की है उसको भी हम पॉपुलराइज करना चाहते हैं ताकि वोटर्स की भागीदारी बने। और उनका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैं यही मानता हूँ कि वोटर्स हैं, तो उनको जागरूक होना चाहिए और जागरूकता के लिए कि आप आए, मतदान करें, नैतिक तौर से मतदान करें, बिना इन्फ्लुएंस से मतदान करें। यदि कहीं ये लगता है कि किसी जगह पर कोई संवेदनशीलता है तो उसको जिला प्रशासन को बताएं। जिला प्रशासन अपने स्तर के ऊपर तो कार्य कर ही रहा है, लेकिन वोटर्स के माध्यम से भी यदि कोई इनपुट्स मिलते हैं तो उसके ऊपर भी हम कार्य करें। ये जागरूकता के लिए कार्य किए किसी साहब की तरफ से ये आह्वान हुआ है और ये बहुत बड़ी बात है और इलेक्शन कमीशन भी ये चाहता है। अभी ये बात सबको आगाह भी किया गया, बताया भी गया है कि प्लास्टिक का यूज़ कितना हानिकारक है और यदि इलेक्शन में इसका एक उदाहरण पेश किया जाए कि बिना प्लास्टिक के इलेक्शन करवाएगा, बिना प्लास्टिक के प्रयोग के इलेक्शन करवाएगा, चाहे बैनर्स के रूप में यूज करें, चाहे किसी पैम्फलेट्स के रूप में या कोई पब्लिसिटी मटेरियल के रूप में, तो कितना बड़ा योगदान होगा। इस चीज़ को इंगित किया गया है और ये बहुत बड़ा कार्य होगा और हम अपील करेंगे सभी जो आने वाले समय में 27 तारीख से जो नॉमिनेशन भरेंगे कि वो इस चीज़ की महत्ता समझें कि प्लास्टिक का कितना अहित है, प्लास्टिक कितना हानिकारक है, तो उसको उदाहरण के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करें कि बिना प्लास्टिक के हमने इलेक्शन लड़ा, उसका प्रयोग किया और अपना प्रचार का और साधन अपनाएं प्लास्टिक को छोड़। आज का प्रोग्राम कोई कर्मचारियों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम नहीं है। आज का प्रोग्राम छात्रों का और दूसरे जो नागरिक हैं जिले के, उनको वोट के महत्व के बारे में बताना और साफ सुथरा वोट करना, कोई पैसे के या शराब के या किसी और चीज़ के लालच में आके वोट ना करना या जाति धर्म की नफरत के आधार पे जो वोट करते हैं उस तरह का वोट ना करके पॉजिटिव वोट करना कि इनमें से ये कैंडिडेट या पार्टी अच्छी है उसको वोट करें। इसके लिए लोगों को जो है ना सेंसिटाइज किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा कि वोट डालना प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है और वोट डालते वक्त आपके दिमाग में जो ज़रूरी मुद्दे हैं वो होने चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए या कोई नफरत नहीं होनी चाहिए।